ना the फर्स्ट न्यूज इज़ रिलेटेड to नमादा क्राफ्ट ये जो नामदा क्राफ्ट है ये कश्मीर की काफ़ी फेमस क्राफ्ट है इसके ऊपर बात करेंगे सो एक पाइलट प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया गया है टू रिवाइव द नामदा क्राफ्ट इन कश्मीर सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रिनशिप दे हैव लॉन्च दिस पाइलेट प्रोजेक्ट टू रिवाइव दिस पर्टिकुलर क्राफ्ट ऑफ कश्मीर सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट इन डिटेल सो की फीचर्स क्या है नामदा क्राफ्ट के दैट ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया जा रहा है अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 सो so 3.0 जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है इसको एक तरीके से रिवाइव किया जाएगा इस uh, क्राफ्ट को और इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्वेंटी फाइव ये पच्चीस बैचेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तीन cycles में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा साढ़े तीन महीने तक यह चलेगा और साथ ही साथ ये बेनिफिट करेगा लगभग लगभग 2250 लोगों को ठीक है सो so, यह जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट इस चीज को भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जिसको कहते हैं हम लोग रिकोगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल जिसको क्या कहा जाता है आरपीएल ऑल्सो रिकोगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग विच इज अ कॉम्बोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सो so, ये होता क्या है आर पी एल इज समथिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल आप काफी टाइम से आप किसी चीज को कर कर रहे हो लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपका जो पिछला जो काम आपने जो स्किल सीखी है जिसका विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आप वो स्किल सीख रहे थे तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी जो पिछली लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको आर के तहत सर्टिफाई किया जाता है जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे ये यह है कि बहुत सारे इंडिया में जिम्स हैं वो जिम्स के अंदर जो जिम ट्रेनर है आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से सर्टिफाइड है जिम ट्रेनर्स बट आजकल अभी भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है ठीक है सो so, वो दो साल तीन साल से जॉब कर रहे हैं जिम ट्रे जिम ट्रेनर का काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो उनको फटाफट सर्टिफिकेशन दे देगी गवर्नमेंट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आर स्कीम के तहत क्योंकि उन्होंने पिछला जो लर्निंग किया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा ताकि उनका जो पिछला जो लर्निंग है स्किल्स है उसको रिकग्नाइज किया जा सके वो वेस्ट ना जाए ठीक है तो ये चीज़ इसके अंदर आती है वट इज नामदा क्राफ्ट नामदा क्राफ्ट है क्या इट इज़ अ क्राफ्ट दैट इज मेड अप ऑफ शीप वूल शीप वूल से ये बनती है सो so जर्नली क्या है ये क्राफ्ट uh, को बनाने के लिए नॉर्मल वीविंग प्रोसेस का यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पे स्पेशल एक वीविंग प्रोसेस होती है दैट इज़ फिल्टिंग टेक्निक सो so, इस टेक्निक का यूज़ करके इस क्राफ्ट को बनाया जाता है ये क्राफ्ट जो है जर्नली बनाया जाता है फॉर फ्लोर पीसेस के लिए फ्लोर पीसेस मतलब फर्श पे रखने वाली चीज़ों के ऊपर के लिए बनाया जाता है जैसे मेट्रसेस हो गया या बेड कवर्स हो गए उसके लिए बनाया जाता है नाउ हर कश्मीरी हाउस जो है ये कल्चर होता है कि चाहे वो रिच uh, है या पोअर है दे हैव दिस कल्चर कि वो फ्लोर पे बैठते हैं तो फ्लोर जो होता है ठंडा होता है तो उसी को बच उससे है बचने के लिए ये मैट्रसेज और बेड कवर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नामदा क्राफ्ट से बनी होती है दिस इज वाई नामदा क्राफ्ट डेवलप इन कश्मीर ठीक है नाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रनोरशिप हैज़ लॉन्च दिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ताकि इंडिया का जो यूथ है उसको और एम्पावर किया जा सके उसको और ऐसी स्किल दी जा सके जिनको वो यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड को कमा सके एम्प्लॉयमेंट ले सके ठीक है सो 300 कोर्सेज जो है स्किल कोर्सेस जो है वो यूथ के सामने अवेलेबल किया गया है 3.0 के तहत आगे हम लोग बात करते हैं थ्री पॉइंट uh, सॉरी प्रधानमंत्री 1.0 क्या है प्रधानमंत्री 1.0 पॉइंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 जब सबसे पहले लॉन्च हुई थी सो so, उस टाइम पे इंडिया लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम थी ये और ये लॉन्च हुई थी फिफ्टींथ जुलाई दो ये दिन था वर्ल्ड यूथ स्किल डे का ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना ठीक है और शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करना स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और साथ ही साथ इंसेंटिवाइज करना थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट भी दे रहा जो वो कोर्सेज को अवेल कर रहे हैं स्किल सीख रहे हैं उनको मॉनिटरी बेनिफिट भी दे रहा ठीक है ये जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी थी वो थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन ठीक है एन अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आंटरप्रिनशिप ठीक है Now, इसके की कॉम्पोनेंट क्या है की कॉम्पोनेंट में आप देखोगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दी जाती है उसके बाद स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे आपको हिस्सा uh, आपको एक uh, uh, वो मिलता है कि एक्सपोजर uh, मिलता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चला के गवर्नमेंट आपको एक्सपोजर देगी ठीक है आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड आपको एक्सपोजर मिलेगा साथ ही साथ आर जो मैंने आपको बता दिया कि आपने पहले कुछ स्किल सीखी हुई है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो उस सिचुएशन में आप जो है आरपीएल के तहत अपनी पिछली स्किल को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो ठीक है और कौशल एंड रोजगार मेला भी इसके कॉम्पोन है ठीक है ओके okay. और इसकी जो आउटकम है आउटकम में अगर देखें 2015-16 में सो नाइनटीन लाख कैंडिडेट्स वर ट्रेड अंडर दिस ठीक है तो याद रखिएगा नाउ नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 ये जो 2.0 है इसकी जो कवरेज देखते हैं दैट इज 2016 से 20 तक इसको इम्प्लीमेंट uh, किया गया 2016 से 20 तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें क्या था इसमें इसमें बेसिकली जोग्राफी सेक्टर ग्रेटर अलाइनमेंट विद द अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन देखिए जब सरकार ने uh, और भी कुछ मिशन चला के रखे हुए थे जैसे मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत अभियान सो इन मिशन में भी आ, के साथ एसोसिएट रहा स्किल्स को जैसे फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया तो मेक इन इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं जिसको हम लोग को आ, आ, हमें ज़रूरत है कि इसको और बूस्ट कर रहे हैं तो वैसे स्किल जो है वो यूथ को देना जिससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिले राइट right. वैसे स्किल्स यूथ को दे रहा जिससे डिजिटल इंडिया को बूस्ट मिले वैसे स्किल्स दे रहा जिससे स्वच्छ भारत अभियान में बूस्टिंग हो ठीक है तो ये सारी चीजें थी इसकी अगर आउटकम की बात करें तो मोर देन 1.2 यूथ हैव टू ट्रेड एंड ओरिएंटेड थ्रू द इंप्रूव स्टैंडर्डाइज स्किल इकोसिस्टम ऑब्वियसली टू में इंप्रूवमेंट देखी गई टू पॉइंट ओ में जो है इम्प्रूवमेंट देखी गई एक बेटर इको सिस्टम स्किल का जो इको सिस्टम है उसको बेटर दिखाया गया और उससे जो यूथ है वो कनेक्ट हुआ और उसको बेटर एक एक्सपोजर मिला स्किल सीखने का ट्रेनिंग लेने का और ये जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम से इसमें पार्टिसिपेट करने का ठीक है नाउ नेक्स्ट इस प्रधानमंत्री थ्री पॉइंट ओ ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है थ्री पॉइंट टू इसकी कवरेज देखें तो सत्रह सो सात सत्रह जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको लॉन्च किया गया अट्ठाईस स्टेट्स और एट यूटीज के अंदर लॉन्च किया गया और ये जो 3.0 है इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान ठीक है देखिए सबसे पहले तो क्या किया पहले तो यूथ को 1.0 के अंदर स्किल प्रोवाइड की राइट स्किल प्रोवाइड किया अब उसके बाद का जो स्टेज था वो ये था कि जो सरकारी जो मिशन uh, है मेक इन इंडिया आत्म निर् इन uh, इंडिया देन डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत इसके अंदर यूथ की स्किल का यूज़ करना ताकि इन मिशन को और बूस्ट किया जा सके और अल्टीमेट इसका जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है दैट इज टॉकिंग अबाउट कि अब आत्मनिर्भर भारत का टाइम आ चुका है अब स्किल जो है ऐसे लेवल पे प्रोवाइड की जाए ताकि यूथ जो है खुद एक आत्मनिर्भर बने सेल्फ रिलायंट बने और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी बड़ी कवरेज कर दी गई है इम्प्लीमेंटेड इन मोर डिसट्रलाइज स्ट्रक्चर अच्छा इस पे जो है थोड़ा सा एक 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 नया फीचर डाला गया है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ठीक है विद द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम द यूटीज एंड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट तो इसके लिए क्या किया गया है कि डिसीजन जो लिया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया जाएगा फ्रॉम बाय द डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज जो कि काम करेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन शैल प्ले अ की रोल इन एड्रेसिंग द कहाँ पे गैप है कहाँ पे कौन सी चीज़ में कितना गैप है क्या रिक्वायरमेंट है कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है कौन सी स्किल की डिमांड है कितना हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं उस स्किल के यूथ को इस तरीके को एसेस रहा, चेक रहा और इसको एड्रेस करके इसका सोल्यूशन निकालना ठीक है तो ये आप याद रखेंगे ठीक है ऑब्वियसली इट विल बी अ मोर ट्रेडी एंड लर्नर सेंट्रिक ठीक है एंड फोकस क्या होगा फोकस होगा डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड किसकी है इंडस्ट्रीज की ठीक है कि किस तरीके की इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब जनरेट हो रही है और सप्लाई किसकी की जाएगी ताकि वैसी सप्लाई जो है स्किल्स की की जा सके तो वो गैप जो है उसको ब्रिज करना ठीक है और ऑब्वियसली इट इनकरेज द हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टेट्स एंड बाय मेकिंग अवेलेबल इंक्रीज एलोकेशन टू दो स्टेट्स दैट परफॉर्म बेटर ठीक है तो वही कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात आ रही है कि जो स्टेट बेटर परफॉर्म करेगा इनके हम लोग इंडेक्स निकालेंगे ये गवर्नमेंट इंडेक्स निकालेगी कि किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया स्किल इम्पार्ट करने में और फिर उसी इंडेक्स के बेसिस पे जो टॉप रैंकर स्टेट्स होंगे जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं दे विल बी गेटिंग बेटर यू नो द मॉनिटरी बेनिफिट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट ठीक है बेटर मॉनिटरी बेनिफिट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट ठीक है सो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस रिच ट्रिब्यूट पेड टू मार्टियर त्रिवेदी सिंह त्रिवेदी सिंह जो है वो लेफ्टिनेंट थे बट ये शहीद हो गए uh, इन्होंने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट uh, कार्रवाई की थी जिस कार्रवाई की वजह से ये टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर पाए और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन के जो पैसेंजर्स थे हजारों की संख्या में पैसेंजर्स थे उनको इन्होंने बचाया था अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस लगा के ठीक है सो मार्टियर लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह को अशोक uh, चक्र दिया गया उसके इस uh, उनके इस सुप्रीम सेक्रिफाइस के लिए और uh, इनको जो है बेसिकली हुज वॉज पेड टू मार्टियर लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह अशोक चक्र एंड द त्रिवेणी द्वार इनका एक त्रिवेणी द्वार भी है इन पठानकोट बाय कमांडर पठानकोट सब एरिया एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द फॉलन हीरो ठीक है तो देखिए पहली बात तो थो है थोड़ा पता तो होना चाहिए ये सारी चीजों का तो इसमें क्या है कि दो जनवरी दो की बात है जब जम्मू रेलवे स्टेशन में क्या चल रहा था कि ये जो त्रिवेदी सिंह थे इनके साथ में एक दो साथी इनके और थे तो इन्होंने क्या किया इन इनको पता चल गया कि हाँ इधर जो है रेलवे स्टेशन में हैविली आर्म्ड टेररिस्ट जो है वो घुस चुके हैं तो काफ़ी उनके पास असला बारूद था टेररिस्ट के पास तो इन्होंने जैसे तैसे करके उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया प्लेटफॉर्म पे न्यूट्रलाइज़ ख़त्म कर दिया प्लेटफॉर्म पर ही और पैसेंजर्स जो कि हज़ारों की संख्या में थे हंड्रेड्स की संख्या में थे वो बेसिकली बचा लिया ठीक है उनको बचा लिया और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एंड दैट इज़ वाई ही गॉट द हाइस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड हाइस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ अशोक चक्र उनको मिला गया मिला था नाउ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू अंडरस्टैंड कि ये जो अशोक चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र इनमें डिफरेंस क्या होता है या फिर आ, पीस टाइम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं बहुत ज़रूरी है याद रखना ये हमारी जो स्टेट के जी के होती है वहाँ पर हमें पूछ लिए जा सकते हैं जो स्टेट के अलाइड के एग्जाम्स होते हैं उस पर देखिए पीस टाइम हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम नहीं इट एज़ पीस टाइब. So, peace time highest gallantry award कौन सा होता है? अशोक होता है 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 अशोक अशोक चक्र चक्र जो 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 त्रिवेदी मिला था अब इनको जो है अशोक उसको मिलता ड्यूरिंग पीस टाइम फॉर वेलार करेजियस एक्शन एंड है इट इज अवार्डेड फॉर मोस्ट ब्रेवरी ऐसी जो देखी नहीं जाती जनरली आपको देखने को नहीं मिलती ठीक है डेरी गेट प्री एमेंट एक्ट ऑफ विल सेल्फ सेक्रीफाइस अदरवाइज इन द फेस ऑफ एनिमी ठीक है अब उसके अलावा जो दूसरे लेवल पे चक्रा होता है दैट इज कीर्ति चक्र सो कीर्ति चक्र इज द सेकेंड हाइएस्ट पीस टाइप गैलेंट्री अवार्ड सेकेंड हाइएस्ट पीस टाइप गैलेंट्री अवार्ड और इट इज़ अवार्डेड फॉर वेल आर करीजियस सेल्फ सेक्रीफाइज अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बेटल ठीक है उसके बाद आता है हमारा शौर्य चक्र शौर्य चक्र जो है इट इज अवार्डेड टू द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज फॉर इंस्टांस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डनरी गैलेंट ठीक है तो ये अशोक चक्र हो गया दूसरा है कीर्ति चक्र थर्ड इज शौर्य चक्र नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉर टाइप हाईएस्ट गैरेंटी अवार्ड कौन से होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल परमवीर चक्र आपने पीवीसी सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था क्योंकि उस टाइप पे वॉर चल रही थी करगिल वॉर थी तो वॉर टाइप पे जो हाईएस्ट होता है दैट इज परमवीर चक्र ये दिया जाता है इट इज़ इंडियाज हाइएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग द डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ विलार ड्यूरिंग द वॉर टाइम वेदर ऑन लैंड सी और इन द एयर

बाय दिवाज दिवाज के थ्रू ये मैनुफैक्चर की जाती है उसको रिसेंटली सिल्वर जो मेडल है वो मिला है ब्रूसल बियर चैलेंज के अंदर ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा एक यू नो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकोगनाइजेशन है ठीक है इस प्रोडक्ट के लिए सो ये जो ब्रूसल बियर चैलेंज है ये कहाँ पे होता है ये बेल्जियम पे होता है इसका ये टेंथ एडिशन था और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस बियर कॉम्पिटिशंस ठीक है ठीक है और इंटरनेशनल पैनल होता है इंटरनेशनल पैनल होता है यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो पैनल है जो जजेस का बैठा होता है जो देखता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बीयर्स आती हैं और दे यू नो दे जज कि कौन सी बीयर बेटर है अलग अलग पैरामीटर्स पे तो जम्मू की जो बियर है दैट इज़ कोर्ट्सबर्ग पिल्स उसने स्टेज को शेयर किया विद द स्टैब्लिश ब्र्यूरीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग ब्रुसेल्स, ब्राजील जर्मनी जापान चाइना जम्मूज फैमिली रन ब्र्यूरी जजेस को उन्होंने बेसिकली अचंबित कर दिया कि क्या इसका टेस्ट है या अलग अलग पैरामीटर्स पे इट इज़ डूइंग रियली वेल ठीक है चलिए नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अ नॉन स्टार्टर इन जे के तो ये एक न्यूज़ थी जिसमें बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी तक भी जे में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है सो so, इसका एक एनालिसिस किया जा रहा है कि कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कितना नहीं हुआ है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो योजना है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फार्मर्स राइट सो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज आउट ऑफ ट्वेंटी डिस्ट्रिक्स ऑफ जे के जो यू है हमारी बीस डिस्ट्रिक्स के uh, के अंदर अंदर द स्कीम हैज़ ओनली बीन इम्प्लीमेंटेड इन ओनली फोर डिस्ट्रिक्ट चार डिस्ट्रिक्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है विच इंक्लूडेड थ्री जो डिस्ट्रिक्ट वो जम्मू रीजन जगह है एक डिस्ट्रिक्ट हमारा कश्मीर वैली का है ठीक है सो बाकी जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ये स्कीम जो है अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है मतलब वहाँ के किसानों को अभी तक इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस की जहाँ तक बात की जाए कि फसल अगर ख़राब हो जाएगी तो इनको बहुत मुश्किल से इनका जो जो होता है ना रिटर्न वो नहीं मिल पाएगा और किसान जो है और ज़्यादा उसमें चले जाएंगे गरीबी में चले जाएंगे ठीक है सो so, अगर बात करें सोलह डिस्ट्रिक्स के अलावा जो चार डिस्ट्रिक्स हैं उनकी बात करें कि आउट ऑफ फोर डिस्ट्रिक्ट ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी बट अभी तक भी कोई भी इंश्योरेंस कवर जो है वो खरीफ क्रॉप के लिए वो जो चार डिस्ट्रिक्ट्स है अगर चार डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करें जहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की गई वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो खरीफ क्रॉप जो है अभी तक भी खरीफ क्रॉप के लिए कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं दिया गया है ठीक है टू द पेड टू द फार्मर्स विच वर डिस्ट्रॉयड इन द हेल स्ट्रॉप ऑन अक्टूबर 30 लास्ट ईयर तो 30 अक्टूबर को इनकी हेल स्ट्रॉप की वजह से फसल काफ़ी ख़राब हो गई थी बट अभी तक भी इंश्योरेंस कवर नहीं दिया गया खरीफ क्रॉप के लिए इनकी आ, इस इसकी बिकॉज uh, ऑफ जो फसलें डैमेज हुई हेल स्ट्रॉप की वजह से इन जम्मू एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑलमोस्ट एटी परसेंट खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो बासमती के होती हैं विच वर गॉट पैरिश ड्यू टू हेल्थ स्ट्रोक तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स दिखाया जा रहा है बाकी स्टैटिस्टिक्स मतलब कि इट सिंपली से कंक्लूजन में कि अभी तक जो लॉन्च किया गया है उस लॉन्च में भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं दिए गए फार्मर्स को और फार्मर्स जो हेल स्ट्रॉम से परेशान है जिनकी फसलें खराब हो चुकी है अभी तक भी उनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिला है राइट right? अगर आप लोग बात करें कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या तो वो ये है कि इट इज अ इंश्योरेंस कवर विच इज अ इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड थर्स स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स कि जब मान लीजिए क्रॉप्स की इंश्योरेंस हो जाती है तो उस टाइम पे अनसर्टेड अनसर्टनिटी जो होती है कि कई बार हेल स्ट्रॉप मानसून फेलियर या वॉट एवर द नेचुरल कैलेमिटीज जिससे फसल ख़राब हो जाए तो किसानों को अपनी फसलों का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है ठीक है तो उनको दिक्कत नहीं आती राइट तो यही ताकि किसानों की जो आय है इनकम है वो स्टेबलाइज रहे ठीक है थेके? पहला पॉइंट स्कोप क्या है इसका स्कोप मतलब इसका कवरेज कितना है देखिए सारी फूड एंड ऑयल सीड जो क्रॉप्स होती है एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है फॉर विच पास यील्ड डेटा इज अवेलेबल उन सभी के लिए ये इंश्योरेंस की लागू होती है ठीक है प्रीमियम की बात करें द प्रिस्क्राइब प्रीमियम जो है वो टू परसेंट है टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स ठीक है प्रिस्क्राइब जो टू परसेंट होगा प्रीमियम वो टू बी पेड बाय द फार्मर्स फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स एंड वन पॉइंट फाइव परसेंट जो होगा फॉर ऑल द रबी क्रॉप्स के लिए होगा ठीक है टू तो परसेंट जो होगा वो खरीफ क्रॉप के लिए होगा और वन पॉइंट फाइव परसेंट जो होगा सारी रबी क्रॉप्स के लिए होगा इन केस एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो दैट वुड बी प्रीमियम ऑफ फाइव परसेंट ठीक है तो, तो ये परसेंटेज है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जे एंड के में पूछी जा सकती है लेकिन ऐसा कुछ अलाइड एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो शेयर करता है 90 परसेंट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए टू प्रमोट द अपटेक इन द रीजन सो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखते हैं जितनी भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की वहाँ पे 90% परसेंट शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है यूनियन गवर्नमेंट करती है जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात आती है क्योंकि उनके इनकम के साधन बहुत लिमिटेड है इसी ठीक है तो ये याद रखिएगा ये परसेंटेज जो है वो याद रखना आपका काम है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को ठीक है नेक्स्ट इज देखिए ऑब्वियस ही चीज़ है एक डिसीजन लिया गया बाय द लिफ्टेड गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है uh, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो जे के के अंदर uh, लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 600 इलेक्ट्रिक बसेस जो है हैंस द इंडिया वो चल रही है और आगे जाके यही चीज़ को प्रमोट करने के लिए ई e बसेस जो है टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर सूट इन जे एंड के बट अभी तक जो है दो तीन बसेस को ही एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे उतारा गया है और ये जो पूरा का पूरा ये जो टेंडर है ये टेंडर किसने लिया है जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है वो कंपनी जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने ये टेंडर लिया है कि हम लोग जो है आगे जाके जे एंड के को एक इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे अभी जो है फिलहाल के लिए अभी फ़िलहाल जो है दो इलेक्ट्रिक बसेस ही हैं जो ट्रायल बेसिस पे चलाई जा रही है उसको पहले प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि कितना ज़्यादा वो खड़ी उतरती है उसके बाद जाके ये डिसीजन लिया जाएगा कि और इलेक्ट्रिक बसेस जो है वैली के अंदर चलनी चाहिए इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो फसल फ्यूल्स हैं पेट्रोल डीजल उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम रहे और ग्रीनर और सस्टेनेबल मोबिलिटी सोल्यूशन जो है वो प्रमोट किया जा सके राइट right? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक हमारी स्कीम है जो नेशनल लेवल पे है दैट इज़ फेम इंडिया स्कीम फेम इंडिया स्कीम जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोमोट किया जाएगा उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा तो इसके दो फेजेस हैं फेज़ वन जो है वो स्टार्ट हुआ था दो में ठीक है और वो कंप्लीटेड दो हजार उन्नीस इकतीस मार्च को ठीक है और दो फेज टू जो है दैट इज अप्रैल दो हजार उन्नीस को शुरू हुआ और इट विल बी कंप्लीटेड बाय थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस को ठीक है अब ये जो स्कीम है ये कवर करती है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को लाइक माइल्ड हाइब्रिड स्ट्रांग हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ठीक है और इसकी जो मोनिटरिंग अथॉरिटी है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो किसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के तो आप याद रखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है प्रमोशन है वो किसके तहत आता है फेब इंडिया स्कीम के तहत आती है इसको आपने ध्यान रखना है इसके चार फोकस एरियाज़ है फेब इंडिया के जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा डेवलप डिमांड को क्रिएट किया जाएगा ठीक है उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे और उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा ठीक है सो so, ऑब्जेक्टिव यही है एनकरेज द फास्टर एडोप्शन ऑफ जल्दी से जल्दी एडोप्शन हो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का और जो भी इन व्हीकल्स को खरीदे उनको इंसेंटिवाइज भी किया जा दिया जा सके उनको इंसेंटिवाइज़ किया जा सके साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जल्दी से जल्दी आ, 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 ग्राउंड लेवल पे बनाए जा सके और इश्यूज़ जो है इन्वामेंटल पोल्यूशन और फ्यूल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके टाइमली ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है सो so, हमने कंप्लीट कर लिया आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हैं ठीक है सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउट बिलो थैंक यू